सभी को राम राम। वेलकम टू नुपाल लैब। आज की वीडियो में हम पता करेंगे कैसे हमें अपने अपर एब्डोमिन को हिट करना है एब्डोमिन एक्सरसाइज से। वैसे तो ये पूरे कोर को इफेक्ट करती है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो एक्सरसाइज, पांच एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको, ये आपके अपर एब्डोमिन को हिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे ज़रूरी है इसमें आपको इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेना है कि किस पोस्चर में कर रहे हैं, कैसे ब्रीद आउट करना है। ब्रीदिंग का इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। अगर आप ब्रीदिंग के साथ करते हो, ब्रीद आउट करके राइट टाइम पे ब्रीद आउट करते हो, तो आपका फोकस होगा पर्टिकुलर मसल पे और आपको रिजल्ट्स टाइम पे मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से इसको सीख भी जाओगे, आसानी भी रहेगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले हम करेंगे क्रंचेस। दो पोजिशन होंगी इसमें, या तो आप लेग स्ट्रेट रख सकते हो या फिर फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करते हैं, हाथ अपनी चेस्ट पे रखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि हमें ऐसे रोल नहीं करना है ऐसे गर्दन को। उसको अगर रोल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इतना इफेक्ट नहीं ले पाओगे। हमें ऊपर की तरफ देखना है, ये पूरा हमारा जो अपर बैक है वो उठेगी यहाँ तक, बाकी ये स्क्वीज होगा और ब्रीद आउट करना है लाइक दिस। ऊपर की तरफ देखना है, एब्डोमिन स्क्वीज हो रहा है, ब्रीद आउट हो रहा है और नीचे, ये पूरा हमें बिल्कुल नहीं गाय ऊपर रहेंगी हमेशा। मोस्टली हम गलती क्या करते हैं, हम ऐसे पूरा उठाने की कोशिश करते हैं। पूरा उठाते हैं तो ये हमारे कमर पे जोर आता है, जो कि इंजरी प्रोन एक्सरसाइज हो जाती है। इसको हमें अवॉइड करना, तो कोशिश करें इसको करेक्ट पोस्चर में करना है इसको। वंस अगेन, इसमें बिगिनर भी कम से कम 20 रैप कर सकता है। इसके 4 सेट लगाने हैं और 20 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, लेग अप, हैंड्स डायगनली एंड डाउन, स्क्वीज एंड डाउन एंड डाउन डाउन डाउन। अगर पूरा पीछे जाओगे तो आप इजी कर पाओगे इस एक्सरसाइज को, समझ पाओगे। अगर पूरा नीचे बिना टच किए आते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी एक्सरसाइज को सीखने में भी और करने में। वंस अगेन, सबसे जरूरी आपको पोस्चर का ध्यान रखना है, ब्रीद आउट का ध्यान रखना है और स्लो करना है। स्लो जितना करोगे उतना अच्छा कर पाओगे, जल्दबाजी में करोगे, हड़बड़ी में करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज, जस्ट लाइक फर्स्ट वन, इसको बस इसमें पोस्चर अलग रहेगा, हाथ हाथ हमारे यहाँ पे रहेंगे और निगाहें ऊपर ही जाएंगी। इसको देखना है ध्यान से, ब्रीद आउट ब्रीद आउट। देख सकते हैं कितना पोर्शन मैंने उठाया है बॉडी का, लाइक दिस। हम गलती क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे जो कि गलत है, ये नहीं है एक्सरसाइज, ये है। इसके भी 4 सेट और 20 रेपिटेशन हम कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट जो करेंगे हमें, फिर से लिफ्ट योर लेग अप, हैंड्स अप, ट्राई टू टच योर टो, ट्राई करना है जहां तक जा सकते हो। ये जरूरी नहीं है हमें टच ही करना, जहां तक हम जा सकते हैं हमेशा नेक को नीचे रखना है और फिर ऊपर जाना है लाइक दिस। डाउन 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 डाउन। तो इसके भी हम कर सकते हैं 20 रेपिटेशन कर सकते हैं, 4 सेट लगा सकते हैं। बिगनर्स को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने 5, 8 या 10 रेपिटेशन इनिशियली कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी आगे 20 तक पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट और इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे ट्राई, हाथ पीछे डाउन 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 डाउन। सेम इसी का हमें 4 सेट और 20 रेपिटेशन कर लें।
इन एक्सरसाइज के बाद हम अगर एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद हम प्लैंक कर सकते हैं हमेशा नॉर्मल पोजीशन। इसमें ध्यान रखनी है हमें अपनी अपर बैक है जो हल्की सी रोल रहेगी, लोअर बैक है थोड़ी उठी हुई रहेगी। अगर इसके लोअर बैक नीचे अगर हम करते हैं तो इंजरी होगी, आपको पेन फील होगा। ऐसे करना और ब्रीद आउट करते रहना है। इनिशियली नहीं ब्रीद आउट करो तो लास्ट में जब थक जाते ऐसे, और अपने एब्डोमेन को स्क्वीज करना है, तो इससे आपके एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, अच्छा आएगा, कोर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी बैक पेन में भी रिलीफ होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट में आप पूछ सकते हो कि आप किस टाइप का वर्कआउट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मैं आपको उसी टाइप का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।